छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के विरोध में भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया है। तमनार में विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया ने कहा है कि कांग्रेस सरकार का नगरीय निकाय चुनावों को अप्रत्यक्ष मतपत्रों से मतदान कराने का फैसला जनादेश को धनबल और बाहुबल से पलटने की साजिश है। सरकार का ये कदम घोर अलोकतांत्रिक और जनता को अपने नेतृत्व चयन करने के अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र है। कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कलंकित करने का घिनौना खेल खेलना चाहती है। भाजपा इस फैसले का विरोध करती है। छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश की सरकार ने जो निर्णय लिया है कि आने वाला समय में नगरीय निकाय का जो चुनाव होगा और उसमें लोकतंत्र के जो हत्या किया जा रहा है, इसके विषय में हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और इसके माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल जी तक ज्ञापन देंगे कि यह जो निर्णय लिया गया है वह उचित नहीं है। नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में ज्ञापन दिए हैं लोग, ये लोग चाहते हैं कि ईवीएम मशीन से ही चुनाव हो और बैलेट पेपर से न हो। किसके नाम से ज्ञापन सौंपे हैं? महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं, इसको हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को